गर्मी का पारा चढ़ते ही बूंद बूंद पानी को तरसे बागबेड़ा वासी। भूमाफियाओं की योजना हुई विफल, बस्ती वासियों ने जताया विरोध। ईस्टर पर ईसाई समुदाय के लोगों ने चर्च में की प्रार्थना और अपनी मांगों को लेकर पन्ना गुप्ता से मिले पैरामेडिकल स्टाफ। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पानी की समस्याओं की, जहां गर्मी की शुरुआत होते ही बागबेड़ा घाटी क्षेत्र के निवासी इन दिनों पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं, जहां बूंद बूंद पानी के लिए घंटों लाइन लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों को इस पानी के लिए मारपीट भी करना पड़ रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक तरफ बढ़ता कोरोना संक्रमण तो दूसरी तरफ पेयजल की समस्या ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। स्थिति दिन प्रतिदिन विकराल होती जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बागबेड़ा घाघीटी पंचायत क्षेत्र की, जहां के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। लंबी लाइन लगकर ग्रामीणों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। वैसे तो पूरे बागबेड़ा क्षेत्र में जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है, मगर गर्मी के मौसम में स्थिति और विकराल हो जाती है। अगर हम बात करें बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना की, तो वह योजना भी वर्षों से अधर में लटकी हुई है। अब उस योजना के तहत कार्य शुरू हुआ है, पर क्षेत्रवासियों को पानी कब नसीब होगा इस पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। एक मोटर के ऊपर दो मोटर था यहाँ पे, एक पे दोनों पे निर्भर था, मगर एक कल जल गया है। अब देखें क्या स्थिति है, मारपीट रोज होना ही है यहाँ पे पानी के लिए। समूचे में अगर लग रहा है मुई गुट्टू, हरर गुट्टू, घाघीडी, बेराडीपा, सुमाई चौपड़ी, सबका इसी पे निर्भर है। पानी का तो हमें से समस्या है। पानी का कोई यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं करता, ना जिला परिषद सुनवाई करता, ना मुखिया सुनवाई करता, कोई सुनवाई नहीं होता यहाँ पर। पानी के लिए हम अभी ड्यूटी से आए हुए हैं, ड्यूटी से आके हम अभी पानी के लिए आए हुए हैं। अभी हम 10 बजे जाएंगे, 12 बजे जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। बहुत दूर दूर से आते हैं, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से पानी लेने आते हैं। पानी के लिए बहुत समस्या है। और क्या होता है, बहुत 12-1 बजे तक लाइन लगा रहता है। ये पानी के चलते बहुत मारपीट भी होते हैं। जमशेदपुर एक ऐसा शहर जो 4 राज्य की सीमा पर बसा है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। यहाँ पर बस पड़ाव पर हर दिन हजारों लोगों का आना जाना होता है। जमशेदपुर शहर में कोरोना ने फिर से रफ्तार ले ली है, तो जिला प्रशासन ने भी कमर कस लिया है। सुबह से रात तक 24 घंटे एक कोरोना जांच की टीम लगा दी है, जो 24 घंटे बस पड़ाव पर अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच कर रही है। और जांच स्थल पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है, जिसका भी जांच में कोरोना पाया जा रहा है उसको तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। हम लोग तो इसको बहुत सीरियस लेकर चल रहे हैं, और जहाँ तक हो सकता है हम लोग जिला प्रशासन के द्वारा जो कैंप किया जा रहा है, सभी लोगों को जांच करने के लिए आज बस टर्मिनल में भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि यात्री हर क्षेत्र से आ रहे हैं, जा रहे हैं, और होने के बाद जो समय है वो अपने कार्यालय क्षेत्र में जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ जा रहे हैं लोग। इस दौरान में कुछ तो पॉजिटिव भी हो रहा है, जैसे आज चेक करने के दौरान पाया गया, अहमदाबाद से कुछ गुजरात से आ रहे हैं, तो उससे भी पाए गए। तो एहतियात तौर पर हम लोग सभी को समझा रहे हैं कि जहाँ तक हो सके बस टर्मिनल अपना जांच करवा के ही अगले गंतव्य स्थान यहाँ के जितने कर्मचारी हैं और बस के कंडक्टर वगैरह जो भी सफर का सहयोग दे रहे हैं, जो सड़क माध्यम से भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, तरह की कोशिश पाया गया है जिनको भी इलाज के लिए। कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय ने मानपुर नगर निगम अंतर्गत राजस्थान धर्मशाला मानपुर के वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों से जानकारी लेने के साथ ही साथ व्यवस्था की भी जानकारी ली। आज भी टीकाकरण शिविर में काफी भीड़ देखी गई। वहीं जमशेदपुर के भालूबाशा क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा जमीन कब्जा करने की कोशिश विफल हो गई। बस्ती वालों ने नोकझोंक कर खदेड़ दिया और कहा यह जमीन सामाजिक कार्य के लिए है, किसी को भी कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। दरअसल भालूबाशा क्षेत्र के लाइन नंबर 3 में उस वक्त बस्तीवासी सड़क पर एकत्रित होकर हो हंगामा करने लगे, जब उन्हें पता चला कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग सड़क के किनारे खाली पड़े टाटा स्टील के जमीन को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। जहां जमीन कब्जा करने की नियत से आए लोगों के साथ बस्ती के लोगों की नोकझोंक हुई, जहाँ स्थानीय लोगों का मानना था कि यह खाली जमीन पर बस्ती के सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जिसमें शादी विवाह या कुछ बैठक और खाली समय में बच्चे खेलते हैं। ऐसे में कोई भी यहां कब्जा कैसे कर सकता है।
अब इस मामले को लेकर पत्राचार के माध्यम से जिला प्रशासन और जुस्को लैंड डिपार्टमेंट को सूचित करने की तैयारी क्षेत्र के लोग करने का मन बना रहे हैं, ताकि सामाजिक कार्यों में मदद लिया जाने वाला जमीन पर किसी भी तरह का कब्जा न हो सके। कल से ये जो परेशानी हो रहा है समझे, ये जमीन हम लोग का यहाँ पर खाली थोड़ा सा, इस पर जो है बच्चा लोग का यहाँ पर जो है कब्जा करने के चक्कर में है, वह पार्किंग बनाएंगे और इसके लिए हम लोग को खुद प्रेशर आ रहा है थाना से भी कि करना पड़ेगा और बाद में हो सकता है लोग कुछ और भी करे। कौन बना रहा है ये? आमिर रिजवान और आसिफ। जमीन किसकी है और क्यों इस तरह काम किया जा रहा है? घर के सामने जो खाली रहता है वही जमीन है। किसको है? किसको का है? तो वो जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? पार्किंग क्या बना रहा है? बोल रहे हैं कि हम पार्किंग बनाएंगे, अभी बाद में क्या बनाएंगे मालूम नहीं, अभी वो पार्किंग के लिए बोल रहे हैं। क्या बच्चे खेलते हैं यहाँ पर? जी हाँ। तो क्या मांग है आप लोगों की? हमारा मांग यही है सर कि यहाँ कोई कब्जा ना हो, हमारा किसी का भी गाड़ी या कुछ भी या बच्चा यहाँ पे ओपन रहे जैसा था वैसी रहे। सेट बनाना नहीं, सेट नहीं बनना चाहिए। जमशेदपुर महानगर भाजपा के द्वारा पुरुष सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को किया गया। समारोह में जिले के सांसद विद्युत वरण महतो की ओर से पुरुष सैनिकों व शहीदों के परिजनों को सम्मानित करने का काम किया गया। का राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम सैनिक सम्मान समारोह, शहीद सम्मान समारोह और महापुरुषों की प्रतिमा पे श्रद्धा सुमन समारोह, जो एक पखवाड़ा चलता हुआ आया जिसमें हम लोगों ने सैनिकों के घर जाकर के उनके घर पर होली की खुशियां मनाई, फिर उसके बाद महापुरुषों के प्रतिमाओं की सफाई करके वहां दीप प्रज्वलन कर भारत की रक्षा में शहीद हुए अमर जवानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, तमाम शहीद स्थलों पर दीप प्रज्वलन किया और आज सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन करके हम लोगों ने सैनिक और शहीद हुए सैनिक परिवार के लोगों को सम्मानित करके हम लोगों ने आज शहीदों को नमन किया है। पोखर के तिलाई पहाड़ में ग्राम पूजा का आयोजन किया गया। वहीं सामाजिक व्यक्ति सुनील महतो और अन्य लोगों ने कहा कि सुख और क्षेत्र की शांति के लिए यह पूजा अर्चना की गई है। वहीं कोरोना महामारी जल्द से जल्द खत्म हो उसके लिए भी कामना इन लोगों ने किया। ये आज से नहीं सदियों से तिलाई पाठ ग्राम पूजा इस इलाके के लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण है और हर साल एक बार होता है और इलाका की और जनता की सुख समृद्धि और शांति के लिए हर साल एक बार हम लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं और तिलाई पाठ में ही हम लोग जो किया है सबको पूजा करते हैं और इलाका का शांति के लिए हम लोग इसका हर साल एक बार कामना करते हैं। शहर के ईसाई समुदाय ने प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने को ईस्टर संडे के रूप में मनाया। इस मौके पर समुदाय के लोगों ने गिरजा घरों में जाकर प्रार्थना की, वहीं अपनों के कब्र में जाकर उन्हें याद किया। जीसस क्राइस्ट के का रिजरेक्शन है, मतलब जी उठते हैं तीन दिन के बाद में। फ्राइडे को उनको क्रूसीफाई किया जाता है और तीन दिन के बाद में वो जी उठते हैं। उसी की खुशी में हम लोग आज मतलब अपने अपने जितने प्रियजन हैं उनके ये में मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, यही है। पत्नी इंदु देवी को समझौता नहीं करने पर पति रमेश दास ने रविवार की सुबह मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। 10 दिन से मैनेज करो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, खाने के लिए नहीं दे रहा, खाना बच्चों को रंग से परेशान किया जा रहा है, रूम का गुंडी तोड़ दिया, अलमारी तोड़ दिया, कपड़ा निकाल के फेंक दिया। 17 साल से मेरे पीछे किया जा रहा है बार बार। पैरामेडिकल कर्मचारियों ने कहा कि आउटसोर्सिंग का न सिलेक्शन सही है और न ही सिस्टम सही है और स्टाफों के लिए सैलरी भी सही नहीं है। कुछ लोग भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, सारे आउटसोर्सिंग को बंद करते हुए सभी को स्थायी करें और कोरोना काल में जो काम किए हैं कर्मचारी उन्हें पेमेंट दें। जो भी हमारे स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत, चाहे वो आउटसोर्सिंग के लोग हों, चाहे वो परमानेंट हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे हमारी नर्स बहनें हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हम सबके प्रति संवेदनशील हैं। निश्चित तौर पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों के द्वारा
उनके श्रमिकों के साथ लगातार अत्याचार की और मनमाने ढंग से पैसे के अनियमित भुगतान की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं और आउटसोर्सिंग एजेंसियां कुछ एक ऐसी हैं जो करारनामा हुआ है और जो श्रम विभाग के दिशा निर्देश हैं उनकी अवहेलना भी कर रही हैं और इन आउटसोर्सिंग एजेंसियों के साथ हम सख्ती से निपटने का काम करेंगे। होटल में आपस में ही दो पक्ष था, दोनों पक्ष में लड़ाई हो गया था, जिसमें से इन सब क्या के कोल्ड ड्रिंक से ही मारपीट हुआ था, जिसमें दोनों तरफ से चोट आई है। आवेदन एक तरफ से मिल गया है, दूसरा तरफ से भी पता नहीं, उसको भी अपना बयान दिया हुआ है, उसके बाद उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रूम से राहुल आ रहा था तो एक कपल लड़ रहा था आपस में, तो वो लड़की को मार रहा था, तो बीच में राजू वॉशरूम से आने टाइम वो लड़की लड़का से टकरा गया, तो वो लोग का सब दोस्त लोग इसको पकड़ के खेलने लगा, तो फिर हम लोग लड़ाई छुड़ा के वापस से बैठा दिए। जब टेबल पे बैठा दिए तो 7-8 लड़का लोग आया, सब अज्ञात व्यक्ति का नाम किसी का नहीं जानते, वो लोग इसको चेयर से उठा के वापस टान के लड़ाई कर, मतलब वापस डांस फ्लोर पे ले जाके मारने लगा, तो पूरा चेन उन छीन के कौन कौन लड़का पॉकेट में डाल लिया और पूरा शर्ट उठ फाड़ दिया हम लोग सबका। फिर हम लोग लड़ाई छुड़ाते वो लोग हम लोग के ऊपर कांच का बोतल चलाने लगा, 7-8 जन चलाया, हम लोग का भी हाथ उत में लगा, उसका भी सर में लगा, श्रीवास्तव का सर में लगा, हम लोग का दोस्त का, तो उसका सर में मार दिया कांच का बॉटल, बियर का बॉटल था, दारू का बहुत सा बॉटल चलाया। हाँ, ठीक है, ठीक है। 7-8 जनता सबका हाथ में बॉटल छुड़ा रहे थे, छुड़ाते लास्ट में क्या हुआ कि वो लड़का जो राजू का फादर पकड़ा था ना, तो वो अपने आप गिर गया जी। जो गिरा तो वो जो बार जो पिलर होता है ना, पिलर से उसका सर पे लगा और उसका सर फट गया, और फिर बाद में वो लड़का उठ के इसका सर में मारा बॉटल से एकदम परफेक्ट, मतलब एकदम सीधा सीधी मारा, तो उसमें उसका हाथ फट गया और दांत से ये निकाल के उसका ये चीज पूरा यहाँ का मांस निकाल दिया। दूर किए तब तक ना वो बॉटल से यहाँ मारा, बियर का बॉटल था, तो फिर हमको उसको समझ भी नहीं आया, तो फिर हमको ऐसे आगे जिमाया, तो हमसे अपना हाथ ऐसे किया उसको कि उसको दूर करने के लिए, हम बोले हटो यहाँ से, मेरे को समझ नहीं आया, तब तक वो अपना दांत से काट लिया यहाँ पर जी, काट लिया, उसका छोड़ नहीं रहा था तब तक फिर सब सारा दोस्त लोग उसका दोस्त लोग सब उसको ढकेल रहा था, हम लोग ढकेल रहा था, जैसे हम पीछे हटे ना, पीछे हटे तो फिर उसका हाथ देखने लगे, उसके बाद हमको सब टान के बाहर निकाल दिया। गर्मी का पारा चढ़ते ही बूंद बूंद पानी को तरसे बागबेड़ा वासी, भूमाफियाओं की योजना हुई विफल, बस्ती वासियों ने जताया विरोध। ईस्टर पर ईसाई समुदाय के लोगों ने चर्च में की प्रार्थना और अपनी मांगों को लेकर बन्ना गुप्ता से मिले पैरामेडिकल स्टाफ। दिन भर की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए AM News 24। आज के